हाय गाइस, हम लोग आते नेक्स्ट टॉपिक लेकर के रिएक्शन मैगजीन का सातवां लेक्चर फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। हेडिंग लिखिएगा आप लोग फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन का दूसरा नाम लिख लीजिएगा पराक्साइड इफेक्ट। या फिर जी बम बोलते खराश इफेक्ट। या फिर एंटी मार्कर पर इसमें होता क्या है कि फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ऐसी को पराक्साइड इफेक्ट क्यों बोलते हैं, ऐसे खराश क्यों बोलते हो, या फिर एंटी मार्कोनिक ऑफ क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले पराक्साइड देखिए, ये आपका पराक्साइड बॉन्ड है। ठीक, अगर इसको आप हीट कर दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये जो पराक्साइड बॉन्ड है ड्यू टू रिपल्सन ऑफ लोन पेयर लोन पेयर्स ये ब्रेक कर जाता है। क्या हो जाएगा, ब्रेक हो करके ये दो मॉलिक्यूल्स आर को इसको ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, ये रिएक्शन ही स्टार्ट होता है पराक्साइड से। किससे, पराक्साइड से। ऐसे एग्जांपल देखो आप, CH3 इसका रिएक्शन करा दिया जाए पराक्साइड ले लीजिए, ये प्रोडक्ट बन जाएगा ये। इसी को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिक। क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिक। अब इसका मैग्नीशियम देख लो आप लोग, क्या देख लो मैग्नीशियम, इसका मैकेनिज्म क्या होगा। सबसे पहले जो रिएक्शन से स्टार्ट होगा वो पराक्साइड से होगा। किससे, पराक्साइड से। देखिए हम ये बेंजाइल पराक्साइड है। अब देखो आप इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट दे दीजिए, या फिर सनलाइट दे दीजिए, या हाई टेम्परेचर या इलेक्ट्रिसिटी पास करा दीजिएगा, ये यहां से ब्रेक हो जाएगा ड्यू टू लोअर पेयर लोअर पेयर रिपल्शन। और यहां से बनेगा आपका फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो पराक्साइड बना है यदि उसमें से गैस निकलने लगा तो वो निकल जाएगा, इसके दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, एक ये और ये। यदि कहीं से गैस निकलने लायक होगा वो तुरंत अपने आप को रीअरेंज करके तो वहां से गैस क्या होगा, निकल जाएगा। और देखो फ्री रेडिकल है, यहां से बॉन्ड क्लीवेज हो जाएगा। और देखो क्लीवेज होकर क्या बनाएगा, दो मॉलिक्यूल्स जो क्लीवेज होगा तो ये बन जाएगा रेडिकल का, और ये बन जाएगा C11O, ये और ये रेडिकल। और रेडिकल आपस में अरेंज करके बना के निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये बन जाएगा दो मॉलिक्यूल C6H5 रेडिकल प्लस CO2। जब दो मॉलिक्यूल्स लेंगे दो CO2 निकल जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, जो C6H5 रेडिकल है इसके सामने है कौन, HBr। देखो ये ना भाई HBr इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड, इन सी सिक्स एच फाइव फ्री रेडिकल, सी सिक्स
H5 फ्री रेडिकल। अब देखो जब इसको इसमें से रिएक्ट करना होगा, ये रिएक्टिव हाईली रिएक्टिव है, ये इसमें से अब उसको खींच के लाएगा जिसका इससे बचपन से रिलेशन होगा, C6H5 इस उसको खींचेगा जिसका रिलेशन इससे बचपन से होगा, और ये इसमें से हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल को खींच लेगा और अपने बन जाएगा बेंजीन। क्या बना गया? बेंजीन बना के स्टेबल हो गया, बचा तो बीआर रेडिकल। जिसे बीआर रेडिकल है दैट की अटैकिंग स्पेसीज, क्या हो गया आपका अटैकिंग स्पेसीज, और ये आप अटैक करेगा। तो ये देखा होगा ऐसे ये जो फ्री रेडिकल था बेंजीन वाला, ये तो हाइड्रोजन को खींच लिया ना फ्री रेडिकल को और अपना दोस्त बना लिया बेंजीन को, तो बचा कौन? बीआर रेडिकल। और जो बीआर रेडिकल है यही आपका अटैकिंग स्पीसीज हो जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लो भाई, नोट कर लो आप लोग अच्छे से, ये ऊपर का मिटा देना सिर्फ इतना। अब देखो मेन एग्जाम्पल है CH3CH CH2 और अटैकिंग स्पीसीज कौन है आपके पास? बीआर रेडिकल। अटैकिंग स्पीसीज अपने पास कौन है भाई? बीआर रेडिकल, ब्रोमीन रेडिकल। अब इसको दो जगह अटैक कराओ, यहां ये अटैक कराओ, क्या बनेगा? यहाँ टाइप होगा ये रेडिकल और एक बार उसी को फिर यहां टाइप करो, आप देख लीजिए दोनों इंटरमीडिएट आपका बना फ्री रेडिकल। और हमने आपसे लिखवाया था रिएक्शंस में रेट ऑफ रिएक्शंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट, इसको नोट कर लियो आप लोग, सिर्फ ये बस। अब देखो अब ये अपने पास 1 डिग्री का है, ये आपका 2 डिग्री का, ये आपका लेस स्टेबल होगा, ये आपका मोर स्टेबल है। अब जो मोर स्टेबल है अब किसी पे अटैक करेगा? एच रेडिकल, जिसको लिक्विफाइड हो और अपना प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CHH CH2। ये प्रोडक्ट आपका मेजर बन गया। देखो भाई ठीक है, ये ऐसे नहीं सोच पाए कोई बात नहीं, कुछ को भी मिटा दे। अब यहां पैकेजिंग स्पीसी ये हो गया ठीक, जब बीआर अटैक हो गया तब अब ये निकलिए, ये आप लिख लेना स्टेप 1, यहां पे स्टेप 1, यहां लिखना स्टेप 2। ये देखो पता है कि मोर स्टेबल है, ये जो फ्री रेडिकल है देखो भाई आपने जो फ्री रेडिकल है ये कर अटैक करेगा, ये बन जाएगा CH3CH2CH2। और अगर इससे बनाओगे ये मेजर बनेगा, और हमेशा स्टेप 2 में वो लिया जाता है इंटरमीडिएट जो मेजर होता है या मोर स्टेबल होता है, जो इंटरमीडिएट है वो हमेशा स्टेबल देखा जाता है, प्रोडक्ट हमेशा मेजर देखा जाता है, तो स्टेप 2 में वो इंटरमीडिएट लिया जाएगा जो आपका मोर स्टेबल हो।
नोट कर लो, नोट कर लो भाई, इसको सब लोग अच्छे से नोट कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है CH3CH double bond CH2CCl4 इन द प्रेजेंस ऑफ पराक्साइड CCl4 मीन्स कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसका प्रोडक्ट बनाइए आप लोग। सबसे पहले ये डिसाइड करो अटैकिंग स्पीसीज क्या बनेगा इनसे, सबसे पहले ये डिसाइड करो, जनरेट करो जनरेशन ऑफ अटैकिंग स्पीसीज क्या जनरेट करो। और एक और क्वेश्चन नोट कर लो, करो भाई CHCl3 नोट कर लीजिए पहले क्वेश्चन, CHCl3 और CBrCl3 साइड। सबसे पहले आपको ये जनरेट करना है जनरेशन ऑफ अटैकिंग स्पीसीज क्या जनरेट करना है, साफ से लिख दे बोलो भाई, साफ से लिख, साफ का लिखना है, ऐसे मिटा दो, ऐसे कर दो, सब मिटा दो, ऐसे लिख दो। ठीक, पहला इस पर अटैक करा दो CCl4 इंद्रप्रदेश साहब पर साइड। सेकेंड नोट का टेक्रा दीजिए CHCl3 पराक्साइड, CBrCl3 पराक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले डिसाइड करना भाई, नोट कर लो